हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पूरा इसको देखेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई थी और आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट को जब हम दोस्तों पढ़ते हैं तो इसे दो पार्ट में बांटा जाता है, एक एंशंट इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था और एक जो मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हुआ, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एजुकेशन पेपर वन का, इसलिए बहुत क्विक रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं आपको कब क्या पढ़ना है, पर दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत कम समय में आपको पूरी टाइमलाइन यहाँ से पता पड़ जाएगी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और हम आज के एजुकेशन सिस्टम पर कैसे पहुँचे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए दोस्तों हम इसे दो पार्ट में बांटते हैं, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, पुराने समय में जब वैदिक शिक्षा का समय था तब एजुकेशन किस तरीके की थी, और मॉडर्न इंडिया। अब ये मॉडर्न इंडिया में जो एजुकेशन है ये अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट होने से पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था और इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, दैट इज़ द एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हम लोग इसे पहले देखेंगे एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट और फिर इंडिपेंडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम ये दो पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इंडिपेंडेंट इंडिया को देखेंगे, इसलिए अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम लोग देखेंगे दैट इज़ द एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। ओके, नाउ चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला है एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन था उसका एम क्या था, एम ऑफ एजुकेशन क्या था उस समय। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला एम था सेल्फ रियलाइजेशन, जो पढ़ाई कर रहा है वो अपने आप को समझ सके, उसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, किन चीज़ों में उसकी स्ट्रेंथ है किन चीज़ों में वो कमज़ोर है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें आती हैं सेल्फ रियलाइजेशन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट था मोक्ष। मोक्ष क्या है, द सेलिवेशन ऑफ ए लाइफ, मतलब कि मोक्ष मुक्ति पाना क्या होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र को अगर आप समझ जाएं, जन्म और मृत्यु का डर को अगर आपके अंदर से ख़त्म हो जाए तो वो कहलाता है मोक्षा। तो एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया क्या था, मोक्ष था। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज इकट्ठा हो लोगों में, नॉलेज बढ़े उनका, इसका मतलब ये है। इनकल्केशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटी, इस तरीके की एजुकेशन दी जाए जिससे लोगों में सोशल और रिलीजियस ड्यूटी क्या है वो समझ पाएँ। प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर, उन जो इंसान का जो कैरेक्टर होता है, जो उसका चरित्र होता है वो अच्छे से अच्छा बने। वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी, वोकेशनल एजुकेशन मतलब किसी प्रोफेशन को सिखाया जाता था या कुछ आर्ट सिखाया जाता था। तो ये थे कुछ मेजर एम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के। अब एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज का ट्रांसमिशन कैसा होता था, ओरल ट्रांसमिशन होता था, कुछ भी वहाँ पर लिखित में नहीं होता था। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एक सेरेमनी होती है, ये पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन, वो फॉर्मल सेरेमनी जिससे एक बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन में एंट्री मिलती है, दैट इज़ द उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार वो संस्कार है जिससे बच्चे की अब एंट्री फॉर्मल एजुकेशन में हो जाती है, जिसमें आप लोग जानते भी होंगे जनेऊ पहनाई जाती है बच्चों को। ठीक है, मोस्टली ये बॉयज़ के लिए होती है। तो आफ्टर द एज ऑफ 8 to 20 ये बच्चा इस फॉर्मल एजुकेशन में रहता है लगभग 12 साल तक। नाउ फिर वुमेन एजुकेशन कैसी थी, वुमेन एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का।
नाउ अगर थोड़ा हम आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ एजुकेशन किस किस तरीके थी एंशियंट इंडिया में, तो एंशियंट इंडिया के अंतर्गत वैदिक एजुकेशन आती है, बुद्धिस्ट एजुकेशन आती है और जैनिज्म आता है। वैदिक एजुकेशन में वेदास पढ़ाए जाते हैं जो कि चार तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, बाकी ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं हम लोग वो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। नाउ फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पाए जाते थे एंशियंट इंडिया में, तो दोस्तों वो थे गुरुकुल, परिषद, गोष्ठी और आश्रम। गुरुकुल क्या होता था? गुरुकुल टीचर का घर होता था जहाँ पर जाकर बच्चे रहते थे और सीखते थे, ये थोड़ा आप कह सकते हैं छोटे स्तर का होता था। परिषद क्या होती थी? गुरुकुल का ही सेटअप जब हायर एजुकेशन के लिए यूज होने लगे, है ना, ये जो है स्कूली शिक्षा आप समझ लीजिए, बेसिक एजुकेशन के लिए जब बच्चे टीचर के घर जाकर रहकर पढ़ के सीखते थे तो वो गुरुकुल था। परिषद जब हायर एजुकेशन के लिए अपने गुरु के घर जाकर के सीखते हैं तो वो परिषद में आता है। गोष्ठी क्या होती थी? जो किंग होता था, राजा होता था, वो अपने अपने टेरिटरीज में जो भी अच्छे स्कूल होते थे, ठीक है, वहाँ के अच्छे टीचरों को, गुड और इंफॉर्मेटिव टीचर्स जो होते थे उनको बुला करके कुछ मुद्दों पर चर्चाएं करते थे, डिस्कशन करते थे, तो वो क्या कहलाती थी? गोष्ठी कहलाती थी। और आश्रम क्या होता था? आश्रम आप ये समझिए एक बड़े स्तर पर होता था। मान लीजिए कोई एक फेमस टीचर है, उनसे पढ़ने के लिए जब कंट्री के अलग अलग पार्ट से बच्चे आते हैं तो उस जगह को क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक अगेन, फेमस यूनिवर्सिटीज़। फेमस यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी थी? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर प्रेजेंट थी? ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है 600 BC से 500 AD तक। ठीक है, तो लगभग कितने साल हो गए ये? 5 और 4, 9, मतलब कि हजार हजार वर्ष तक ये जो रही इन द किंगडम ऑफ गांधार, गांधार किंगडम में थी, या एट प्रेजेंट में अब ये पाकिस्तान में आता है, रावलपिंडी की तरफ इसका माना जाता है। अराउंड 68 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, और अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट। नाउ अब यहाँ से कौन कौन से फेमस स्टूडेंट निकले हैं? तो कौटिल्य आप जानते ही होंगे, चाणक्य, दूसरा नाम था उनका विष्णुगुप्त, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इन्होंने बताया है, और मिलिट्रिकल स्ट्रेटजीज जैसी चीज़ों के बारे में लिखा है इन्होंने, पाणिनि, ग्रामरियन ऑफ संस्कृत, संस्कृत ग्रामर जिन्होंने लिखी है आप ये कह सकते हैं, चरक, चरक जो आयुर्वेद जिन्होंने लिखा है, विष्णु शर्मा जो कि ऑथर है पंचतंत्र के। तो ये कुछ फेमस स्टूडेंट हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, जो कि कहाँ पर थी? किंगडम ऑफ गांधार में थी, अब एट प्रेजेंट ये पाकिस्तान में है। नाउ नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों ये देखिए राजगीर बिहार में थी ये इस समय पर अगेन इसको रिस्टार्ट किया गया है अभी 2010 से, ठीक है। इट वॉज द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर था, एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर लर्निंग। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग वो लेते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। फिर है वल्लभी यूनिवर्सिटी। अब ये वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है 6th से 12th सेंचुरी तक रही, सौराष्ट्र ऑफ मॉडर्न गुजरात, तो मॉडर्न गुजरात का जो सौराष्ट्र पार्ट माना जाता है उसमें ये इस्टेब्लिश थी। यहाँ पर भी रिलीजियस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, मतलब कि मेडिसिन वगैरह ये सब पढ़ाया जाता था। फिर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, सेटअप एट भागलपुर बिहार में, ठीक है, ये इसके टाइमलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ ये जो इतना फ्लोरिश्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम था इसमें अचानक से इतना ड्रॉप कैसे आया? तो दोस्तों आप जानते रहे होंगे समय समय दर समय जो है इस्लामिक अटैक होते रहे इंडिया के ऊपर, बाहर से जो कुछ इस्लामिक इन्वेंशंस हुए हैं, अटैक जो हुए हैं उनके कारण जो है एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ,
और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इस्लामिक एजुकेशन का नॉर्थ इंडिया पर रहा, जिससे क्या हुआ, जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, वो साउथ की तरफ ज़्यादा रहा, और नॉर्थ इंडिया में जो है कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब नॉर्थ इंडिया में आपको मुस्लिम एजुकेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये ज़्यादा मिलेगा, और साउथ की तरफ आपको वैदिक एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा मिलेगा आज भी ना। अब बात करें, जब मुस्लिम्स आए इंडिया में, तब उनका भी जो एजुकेशन सिस्टम था, उन्होंने भी एजुकेशन में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। आप समझें कि जो लाइब्रेरी सिस्टम है, ये मुस्लिम्स एजुकेशन सिस्टम की ही देन है। ठीक है, तो अब वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, तो देखिए वहाँ से ये पूछा जाता है, मकतब्स कई बार पूछा गया है, व्हाट इज़ मकतब्स। तो ये प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, है ना, मुस्लिम्स में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मकतब्स कहा जाता है। वहाँ पर क्या सिखाया जाता है, लर्न रीडिंग राइटिंग एंड बेसिक इस्लामिक प्रेयर वहाँ पर सिखाई जाती है। ऐसे ही मदरसाज होते हैं जहाँ पर सेकेंडरी स्कूलिंग दी जाती है, वहाँ पर क्या सिखाया जाता है, टीच एंड ट्रेन फॉर एडवांस लैंग्वेज स्किल्स वहाँ पर सिखाई जाती है। ठीक है, और ये सब किससे जुड़े रहते थे, मस्जिद से जुड़े रहते थे। ठीक है, ताकि जो पुअर लोग हैं या फिर जो भी वहाँ पर आ रहा है, ठीक है, प्रेयर करने के लिए उनकी, तो वो आसानी से इन स्कूलों को भी एक्सेस कर सकते थे। और एक चीज़ इसमें ये थी कि महिलाएं, अधिकतर गर्ल्स जो हैं वो इन जगहों पर नहीं जाती थी, वो शिक्षा ज़रूर प्राप्त करती हैं पर अपने घर पर रहकर। ठीक है, या फिर ऐसा होता था कि कई जगह ये देखा गया कि जो मदरसाज होते हैं बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की एजुकेशन को उन्होंने डाउन किया है, रखा है, पर अलग अलग रखा है गर्ल्स की एजुकेशन को। देखेंगे एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में हमें दो पार्ट में पढ़ना है। जैसा हमने देखा, फर्स्ट पार्ट है हमारा एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था और वो कैसे बना, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बिगिन अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ इंडिया में, और क्यों हुआ डेवलप, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड टू एजुकेट इंडियन टू असिस्ट देम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी जो भी इनकम थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर एक लैंड एक्टिविटी है, इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो हमारे लैंड पर कब्जा कर लें, हमारी ज़मीनों को हथिया लें। इसके लिए क्या ज़रूरी था, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए वो हर चीज़ के लिए ब्रिटिश मैन नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इंडियन को एजुकेट किया जाए, जिससे कि वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, अब हम आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट था, ब्रिटिशर्स ऑल्सो वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम्स एंड लॉ। जो लोकल कस्टम्स, हमारे यहाँ के जो लॉ या कस्टम थे, वो भी वो सीखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1781 में, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, 1781 में कलकत्ता मदरसा ओपन करवाया किसने, वॉरन हेस्टिंग ने, और संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी ओपन कराया किसने, जॉनेथन ड्यूकेन ने। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखिए। उसके बाद देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, जिसने कि क्या किया, जो एजुकेशन सिस्टम था अब वो किसकी जिम्मेदारी हो गई थी, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो अब ब्रिटिश रूल इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जिम्मेदार था कि वो इंडियंस को एजुकेट करे, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट वही काम कर रहा था इंडिया में। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 ने क्या करा कि एजुकेशन अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये इसने बात साफ कर दी। अब ब्रिटिशर्स को हमारी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना था, और उनने किया भी उनके अकॉर्डिंग। देखते हैं क्या क्या किया, 1835 में लॉर्ड विलियम बेनेटिक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत फेमस नाम है आता है कि किसने ये डिसाइड किया कि अब जो इंडिया में जो इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन का इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। तो 1835 में ये डिसाइड हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये डिसाइड किया। फिर है 1835 में मैक्यूले मिनट आया, ऑल्सो प्रमोटेड एजुकेशन इन इंग्लिश। तो जो मैक्यूले मिनट था उसने भी बहुत ज़्यादा
प्रमोट करा इंग्लिश एजुकेशन को, और अरेबिक और इंडियन संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने बहुत नीचा दिखाया इंग्लिश के कंपैरिजन में। ठीक है, नोट आप डेट्स को ज़रूर नोट करके रखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा आप वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ना नेक्स्ट है, यहाँ पर 1854 सर चार्ल्स वुड स्पेंट और सेंट अ डिस्पेच दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्ल्स वुड, या जिसको वुड्स डिस्पेच भी कहते हैं, वो चार्ल्स वुड ने किसको भेजा? लॉर्ड डलहौजी को भेजा, जो कि उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और उन्होंने इस डिस्पेच में क्या क्या सजेशन दिए? उन्होंने बोला कि प्राइमरी स्कूलिंग किस में होनी चाहिए? वर्नेक्युलर लैंग्वेज, मतलब कि लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। हाई स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एंग्लो वर्नेक्युलर, मतलब कि इंग्लिश भी हो और हिंदी भी हो। और जो कॉलेज लेवल की एजुकेशन है वो टोटली इंग्लिश मीडियम के इंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट एट्थ पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ज़रूर नोट कीजिएगा। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे वेयर इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर चार्ल्स वुड्स डिस्पेच। तो वुड्स डिस्पेच के रिकमेंडेशन पर ही 1857 में ये पहली तीन यूनिवर्सिटीज़ बनी, दैट इज़ द कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया? 1882 से 83 में आया। क्या इन्होंने, क्या काम था, क्यों बनी थी ये? टू लुक इन टू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पेच ऑफ 1854। तो 1854 में जो वुड्स डिस्पेच ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? उसका रीज़न ढूंढने के लिए हंटर कमीशन बनाई गई थी। नो रिस्पॉन्स, इन्होंने क्या सजेशन दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू द लोकल बोर्ड एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला भाई कि प्राइमरी एजुकेशन और आपका हायर एजुकेशन को अलग अलग कर दो, और प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी किसको दे दी जाए? लोकल बोर्ड्स या फिर म्यूनसिपल बोर्ड्स को दे दी जाए, ये इनका मेन रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट इन्होंने बोला सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट इंटरप्राइजेज। और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों को ही आप किनको दे दें? प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन कर दें उसको, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दे दें कि वो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनकी रिकमेंडेशन थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है सैडलर कमीशन, या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, 1917 से 1919 तक। इन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए दोस्तों? सबसे पहला सजेशन, टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ओके, क्यों सैडलर कमीशन क्यों बनी थी? जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, उस सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, ये सब देखने के लिए सेटलर कमीशन बनाई गई थी। इसीलिए इसका नाम था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्टडी करने के लिए ये कमीशन बनाई गई थी। पर इन्होंने कुछ नेशन वाइड जो है रिकमेंडेशन दी, वो क्या थी? सजेस्टेड द सेपरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग अलग करने का इन्होंने सजेशन दिया। और यही सजेशन एक किस रिजल्ट में निकल करके आया? द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो हर अब सेकेंडरी एजुकेशन का एक अलग बोर्ड बन गया। वो किसने सजेस्ट किया था? सैडलर कमीशन ने सजेस्ट किया था। और एक अनादर इम्पॉर्टेंट सजेशन इनका कैब, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920 जो बना था, ठीक है, वो किसके रिकमेंडेशन पे बना था? सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन पर बना था। सबसे पहली बार बना था 1920 में, फिर कुछ फाइनेंशियल रीजन से ये डिसॉल्व हो गया है ना 1923 में, और फिर से इसको रिवाइव कर लिया गया, फिर से बनाइए 1935 में। तो ये अभी तक चल रहा है। ओके, नाउ फिर आया हर्टॉग कमीशन 1929 में, फोकस ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका मेन रिकमेंडेशन क्या था? कि एजुकेशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड पर ध्यान देना है। फिर आया वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बहुत वेल नोन स्कीम है, 1937 में आई। किसने दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने। बेसिकली क्या था इसका मेन कॉन्सेप्ट? बेसिक एजुकेशन, मतलब कि
स्किल सिखाना, बेसिक एजुकेशन देना, ताकि बच्चा जो है 8th 9th क्लास के बाद जो है अपने रोजी रोटी खुद कमा सके, कुछ ना कुछ उसमें स्किल डेवलप करना। फिर था सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट का दूसरा नाम दोस्तों आप लोग जानते होंगे, पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया है। 1944 में आई, रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ UGC, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है हमारा पार्ट यहाँ तक का कंप्लीट हो जाता है। कहाँ तक का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एंशंट एजुकेशन इन एंशंट इंडिया हमने देख लिया, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया में अभी हमने कंप्लीट कर लिया, एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो बहुत थोड़ा बड़ा है और ध्यान से समझने की ज़रूरत है उसको भी। ये इसको हम इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।